स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। रिसेंटली हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी। आप में से एक हमारे YouTube के सब्सक्राइबर हैं मिस्टर समीर जी, उन्होंने हमें मैसेज करा और बताया कि उन्हें अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन कराना है। उनकी जो साइट है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड थी, बट उनकी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहला, उनके जो साइट का काम था, साइट की कंस्ट्रक्शन थी, वो ऑलरेडी शुरू हो गई थी। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी, उन्होंने पहले किसी से अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन कराया था जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। वो एलिवेशन डिज़ाइन उन्होंने हमारे साथ शेयर करा और बताया कि ये एलिवेशन डिज़ाइन हमें बिल्कुल भी नहीं बनवाना है, ये जो कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करा गया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने सर से पूछा कि आपको किस तरह का एलिवेशन डिज़ाइन कराना है, कुछ हमें आइडिया दे दीजिए, अपना टेस्ट बता दीजिए। तो उन्होंने हमसे बोला कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपका काम हमें अच्छा लगता है, तो जो भी आप डिज़ाइन करेंगे हमें गारंटी है कि वो देखने में हमें अच्छा लगेगा। तो हमने कुछ इस तरह का एलिवेशन डिज़ाइन उन्हें बना के दिया और ये एलिवेशन डिज़ाइन उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आप खुद देख सकते हैं जो उन्होंने पहले किसी से एलिवेशन डिज़ाइन बनाया था और जो हमने एलिवेशन डिज़ाइन बनाया है, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि आपको कौन सा एलिवेशन डिज़ाइन देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिज़ाइन कराना, फ्लोर प्लान बनवाना या फिर इंटीरियर डिज़ाइन कराना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव, यह है मेरा कांटेक्ट नंबर। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इस एलिवेशन डिज़ाइन में हमने कौन से मटेरियल का यूज़ करा है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करा है, जो आप अपने घर के एलिवेशन डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एलिवेशन डिज़ाइन करते समय हमने दो मेन चीज़ों पे फोकस करा है। पहला आता है कलर कॉम्बिनेशन। जो हमने कलर कॉम्बिनेशन इसमें लिया है वो वाइट के साथ डार्क को मैच करने की कोशिश करी है। वाइट कलर लिया है या फिर हमने डार्क ग्रे या फिर लाइट ग्रे कलर का यूज़ करा गया है। दूसरा आता है मेटेरियल का। जो भी हम इसमें मेटेरियल का यूज़ करेंगे वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेटेरियल होने वाला है। कोई भी ऐसा मेटेरियल नहीं होगा जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका था, तो इसमें हम ज़्यादा बदलाव, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कलर कॉम्बिनेशन और मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करा है। अब इसके ग्राउंड फ्लोर के डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। आपको राइट हैंड साइड में इसकी मेन एंट्रेंस देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे इनका एक डोर आता है। तो डोर की जो वॉल आएगी उस पे हमने मार्बल टाइल्स का यूज़ करा है। उसके सामने वाले पार्ट में आपको दिख जाएगा हमने जाली का यूज़ करा है। ये जाली आप PVC की भी बनवा सकते हैं, CNC की भी बनवा सकते हैं या फिर GRC की भी बनवा सकते हैं। अब जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने ग्रेनाइट टाइल्स का यूज़ करा है, उसके सामने वाली वॉल पे हमने मार्बल टाइल्स का यूज़ करा है। तो क्रीम कलर की मार्बल टाइल्स के साथ ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब इसके लेफ्ट में अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको एक डिज़ाइन कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस के पैरापेट वॉल पे जाएगा। इसके ऊपर हमने स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज़ करा है और इस ब्रिक वर्क में हमने कुछ पार्ट जो है ब्रिक का आगे की तरफ लिया है और कुछ पार्ट हमने 4 इंच पीछे की तरफ लिया है, जिस तरह ये दो डिज़ाइन हमारे कंटिन्यू होंगे पूरे टेरेस के पार्ट तक। देखिए, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप अपने घर के एलिवेशन में स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही वॉल पे यूज़ करें, हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करें। अब इसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है, हमने सिर्फ एक ही जगह स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज़ करा है और आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है ओवरऑल एलिवेशन को। अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं और इसका डिज़ाइन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट फ्लोर में हमने दो बालकनी डिज़ाइन करी है। पहला आता है राइट साइड में और दूसरी आती है लेफ्ट साइड में। सबसे पहले राइट हैंड साइड की बालकनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आप पहले का डिज़ाइन देखेंगे उसमें कुछ येलो कलर का पेंट यूज़ करा गया था बालकनी में, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने क्या करा है, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो वाइट के साथ डार्क ग्रे कलर का कलर कॉम्बिनेशन लिया है।
व्हाइट जो आप सी सेक्शन देख सकते हैं, सी तरह का डिजाइन क्रिएट हो रहा है, वो थोड़ा आगे की तरफ रहेगा, और जो आप पीछे एल शेप का डिजाइन देख सकते हैं जिसमें हमने डार्क ग्रे कलर लिया है, वो थोड़ा पीछे की तरफ रहेगा। अब इसमें हमने बालकनी में दो चीजों का यूज करा है। पहला आप देख सकते हैं हमने एमएसके पाइप का यूज करा है, और इसके राइट हैंड साइड में बिल्कुल अगर आप एक्सट्रीम राइट में चले जाएंगे तो वहां पे हमने एक वॉल क्रिएट करी है जो स्ट्रेट वॉल नहीं है, थोड़ी सी स्लांटेड वॉल रहेगी जो बाहर से देखने में और अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी, और इसके ऊपर हमने सेम क्रीम कलर की मार्बल की टाइल्स का यूज करा है। अब लेफ्ट हैंड साइड की बालकनी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके इसके सेंटर वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप पहले के डिजाइन में को इस डिजाइन से कंपेयर करेंगे, जो पहले डिजाइन करा था किसी ने, उसमें क्या करा गया था, सेंटर में एक बड़ी सी विंडो प्रोवाइड करी गई थी और उसमें एक डिफरेंट जो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन करी गई थी, तो हमने ये बिल्कुल ही टोटली चेंज कर गया है। हमने क्या करा है, एक पतली सी विंडो, एक स्लीक सी विंडो प्रोवाइड करी है सिंगल फ्रेम की, और उसमें ग्लास का यूज करा है, और इसके चारों तरफ हमने एक WPC लोअर्स का यूज करा है जो एक अच्छा लुक इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए, अगर आप इस टाइप के WPC लोअर्स यूज कर रहे हैं एलिवेशन में तो कोशिश करें इसको सही जगह यूज करें, क्योंकि ये जो लूवर्स हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो अगर आप इसको मिनिमम जगह यूज करेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो स्मार्ट तरीके से अपने एलिवेशन को डिजाइन करें जिससे आपकी कॉस्ट भी कम आए और देखने में भी अच्छा लगे। अब लेफ्ट हैंड साइड की बालकनी को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें हमने सी टाइप का डिजाइन क्रिएट करा है जिसपे हमने व्हाइट कलर का पेंट का यूज करा है, और अंदर की तरफ जहां पे इनकी बालकनी इंस्टॉल होगी उसके नीचे हमने ब्लैक कलर के टाइल्स या फिर आप कह सकते हैं ग्रे कलर के पेंट का यूज करा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेरेस वाले पार्ट पे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एलिवेशन डिजाइन का। देखिए, टेरेस के अगर आप रेलिंग पे नजर डालेंगे तो हमने बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्ले करा है जिससे ये डिजाइन टेरेस का देखने में और ज्यादा अच्छा लगे और इनके पैसे भी बच जाए। वो देखिए कैसे, जो हमने इसमें रेलिंग का यूज करा है वो मोस्टली हमने MSK पाइप की रेलिंग का यूज करा है जिसमें हमने वर्टिकल पाइप इंस्टॉल करे हैं, बट जो रेलिंग है वो हमने बहुत ही कम यूज करी है जिससे इनके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो। ज्यादातर हमने जो रेलिंग का यूज करा है वो ब्रिक की कंस्ट्रक्शन में ही जा रहा है, बट वो दूर से देखने में बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा क्योंकि उसके ऊपर हमने डिजाइन ही कुछ ऐसा लिया है जिससे वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करी जा रही है। जैसा आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, जो हमारा सी शेप या फिर आप एल शेप का डिजाइन देख सकते हैं वो कंटिन्यू हो रहा है हमारे पैरापेट वॉल की तरफ, ऐसे ही हमारा जो स्टोन क्लैडिंग वाला डिजाइन है वो कंटिन्यू करा जा रहा है पैरापेट वॉल की तरफ। तो इस तरह अगर आप अपने घर के स्मार्ट तरीके से डिजाइन करेंगे तो आपके पैसे भी सेव होंगे और आपका डिजाइन भी देखने में अच्छा लगेगा। अब टेरेस में हमने एक पैराबोला भी क्रिएट करा है जिसके हमने सामने की तरफ MSK पाइप इंस्टॉल करे हैं, जिसके हमने बीच बीच में जाली इंस्टॉल करी है, और जाली के नीचे हमने स्पॉट लाइट का यूज करा है। अभी स्पॉट लाइट का इसलिए यूज करा गया है, अगर आप रात के टाइम नाइट व्यू में इसका एक नज़ारा देखेंगे स्पॉट लाइट का दूर से, तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो कुछ इस तरह अपने घर की एलिवेशन डिज़ाइन करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे अपने घर की एलिवेशन डिज़ाइन कैसे करानी है, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव, एक बार कॉन्टैक्ट करके जरूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। अगर आपको ये एलिवेशन डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।